बिजनेस आफ्टर लॉकडाउन, इस विषय पर हम बात करने के लिए आज ऐसी शख्सियत को आपके बीच लेके आए हैं जिन्होंने आईटी पर बड़ा काम किया, उसके बाद में कार एसेसरीज के अंदर भारत के अंदर अपनी पताका फहराई, झंडे गाड़े, मगर जिनके अब पाँव में चाल होती है वो रुकते कहाँ हैं। उसके बाद फिर एक कदम आगे बढ़े और आपने भारत की एक बड़ी कंपनी टीवीएस के साथ मिल करके एक कोलोबेशन किया और माय टीवीएस के नाम से भारत में कार एसेसरीज का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज ब्रांड लेके आए हैं। मैं मिलवाना चाहता हूँ आपको माय टीवीएस के सीईओ श्री सुनील ढींगरा जी से। एक और बड़ी बात कि जब लॉकडाउन के अंदर बाकी लोग हम लोग घर में आराम कर रहे थे, जब कुछ ही लोग थे जिन्होंने उस दौर में भी तकनीक पर, सिस्टम पर, ब्रांडिंग पर, रेंज पर बड़े काम किए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो श्री सुनील जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ इन पंक्तियों के साथ में कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। स्वागत है आपका सुनील जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बड़े अल्फाज आपने कहे मेरी छोटी सी शख्सियत के लिए, तो थैंक यू सो मच सर। नहीं, मिलते हैं जब जब आपसे मिले हैं, आपसे, अमित जी से और अपने संदीप जी से, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आप लोगों में देखता हूँ, तो चूंकि सीखने की इच्छा होती है, खूब खुशी होती है आप लोगों से मिल करके। तो हम बात को यहीं आगे बढ़ाते हैं कि निराशा शब्द में एक शब्द छुपा हुआ है आशा। तो जब पूरे बाजार में इन दिनों निराशा व्याप्त है, नकारात्मकता फैली हुई है, तो इस दौर में आप जैसे पॉजिटिव आदमी से मिलकर के क्या सकारात्मकता का संदेश हम लोग ले सकते हैं? सर, आपने खुद ही इतनी अच्छी लाइन से शुरुआत की कि निराशा के अंदर ही आशा है, तो यही निराशा हमें सब में दिख रही थी जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 40 दिन पहले लगभग, तो सभी एक तरीके से निराश हो गए थे कि अब धंधे का क्या होगा, दुकान बंद हो जाएगा, तनख्वाहें कैसे देंगे, और ये खुलेगा तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, ये सारे सवाल अभी भी घूम रहे हैं अभी हम बात करें तो। पर ये जो अपॉर्चुनिटी मिली हम सबको 40 दिन बिना डिस्ट्रैक्शन के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करने की, वो हम सबके लिए है। वो कोई भी हो, किसी भी व्यापार में हो, चाहे एक गृहिणी हो, मैं ये भी बोलूं, जिन्होंने नए पकवान बनाने सीख लिए, या कोई एक बिजनेसमैन है जो कभी ऐसे प्रोजेक्ट्स को करना चाह रहे थे जो कि कहते थे यार मेरे पास टाइम नहीं है, किसी दिन टाइम मिलेगा तो करूंगा, वो टाइम अब मिला सबको। किसने उसका सदुपयोग किया, किसने उसका सोने में उपयोग किया, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने पहले ही दिन से अपने आप को और अपनी पूरी टीम को एक रूटीन में रखने की कोशिश करी, ताकि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो पॉजिटिव चीजें हैं हम उनकी तरफ देखें और उस तरफ काम करें। तो मैं कुछ फोटोग्राफ आपसे शेयर करना चाहूंगा जो हमने अपने पार्टनर्स के साथ भी शेयर करी है, कि इस टाइम कैसे हम सबको चेंज करना है, इस चेंज के साथ अडेप्ट करना है और ग्रो करना है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लाइफ चेंज हो रही है, किस तरीके से हमारा व्यापार भी चेंज होगा, जो हमने कुछ इमेजिन किया चीजों को कि वो कैसे चेंज हो रही है। सबसे पहला तो अगर मैं लाइफ के चेंजेस की बात करूं तो अब मिलने का तरीका चेंज हो गया है। हम सब लोग एक हैप्पी नमस्ते पे आ गए हैं, जहां हम लोग गले मिला करते थे सोशल डिस्टेंसिंग का नाम फॉलो करते हुए। क्लोज मीटिंग्स जिस तरीके से हम करते थे पहले ऑफिस में और सारी दुनिया करती थी, अब वो सारी दुनिया वर्क फ्रॉम होम पे चली गई है। आईटी इंडस्ट्री क्रैश नहीं हुई है, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं घर से बैठ के लोग, बहुत सारी इंडस्ट्री अब घर से चल रही है। और आप देखेंगे जब लॉकडाउन खुलेगा भी तो अब लोग बात कर रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमें कॉस्ट बचाने का एक माध्यम मिल गया, कि कई इम्प्लॉयज जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही थी एयर कंडीशन की, रेंट की, उनकी प्रोडक्टिविटी कम नहीं हुई है बल्कि शायद बढ़ी भी है कईयों की, तो क्योंकि उनको डिस्ट्रैक्शन फ्री काम कर पा रहे हैं, उनको ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ रहा दिन में 4-4 घंटे। तो ये इस तरीके के लाइफ के चेंजेस कुछ हो रहे हैं जो कि काफी हम सबको सीखने पड़ेंगे। अब व्यापार की मैं बात करूं तो दो की ट्रेंड देखें आप हाई लेवल पे। इंडिया फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं, पीपीई किट्स जिसकी बात होती थी तो हम इंपोर्ट कर रहे थे बहुत भारी भारी मात्रा में जब ये शुरुआत हुआ। केवल 60 दिनों के अंदर हमारे एंटरप्रेन्योर्स का मनोबल देख सकते हैं, जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं उन्होंने भी इस चीज को इतना पॉजिटिवली लिया
एक अपॉर्चुनिटी की तरह कि अपने व्यापार को बढ़ाने का बहुत बढ़िया मौका है और भारत को पूरी दुनिया में नंबर 2 पीपी किट मैन्युफैक्चरर के नाम पे खड़ा कर दिया केवल 60 दिनों में। हम आज प्रतिदिन ऑलमोस्ट 2,00,000 पीपी किट्स बना रहे हैं और हम अब एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं इसका पूरे वर्ल्ड को। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो हम अपनी सरकार की अच्छी माइंडसेट, हमारे देश में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके माइंडसेट से सीख सकते हैं और अपने व्यापार में भी कुछ सोच सकते हैं। दूसरा, इसके होने से भारत एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है। जिस तरीके से चाइना की नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है इन 7 दिनों में, भारत में निवेश की और अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी आने वाले टाइम में। जिस तरीके से गवर्नमेंट भी पॉलिसीज को रिलैक्स कर रही है, वो सारा निवेश जब आएगा तो हमारे बिजनेसेस, हमारे कंज्यूमर्स के हाथ में जब पैसा बढ़ेगा, उस सब की अपॉर्चुनिटी हमारे पास ही आनी है। तो ये निराशा में कुछ कुछ आशाएं दिख रही हैं हम सबको ऑन अ हाई लेवल। अगर मैं बात करूं तो, अगर मैं हमारे व्यापार की बात करूं ऑटोमोटिव ट्रेड की, जहां लोग एक ट्रेन या बस जिसमें 100 लोग आ सकते थे, हम 200 लोग ठूस के ले जाते थे, अब तो वो 200 अपनी अपनी गाड़ियां या बाइक पे या उसमें आएंगे अपने प्राइवेट व्हीकल्स में मैक्सिमम, और आना स्टार्ट हो गए। हम देख रहे हैं कि अभी भी जब लॉकडाउन थोड़ा सा ईज हुआ है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है बिल्कुल, केवल प्राइवेट गाड़ियां प्राइवेट व्हीकल ही अलाउड है। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? हमारे व्यापार के लिए, कि जब गाड़ियां ज्यादा बाइकें ज्यादा होंगी। एक और उदाहरण के लिए मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बता देता हूं कि अगर नई गाड़ियां 100 बिकी हैं लास्ट ईयर, तो 120 पुरानी गाड़ियां जो बिकी हैं इस साल, वो पुरानी गाड़ियों की जो मात्रा 120 से 180 जाने का अनुमान चल रहा है। कितना भारी बढ़ोतरी एक अपॉर्चुनिटी है जब नई एक गाड़ी आएगी रोड पे, चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी हो, तो उसमें टायर बदले जाएगा, उसकी मरम्मत होगी, उसमें एक्सेसरीज भी लगेंगी, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्लस जिस तरीके से लोग अपनी गाड़ी की केयर पहले करते थे, जब अपनी बाइक की केयर करते थे, वो केयर भी और बढ़ेगी, क्योंकि हम सबका एक माइंडसेट अब सफाई की तरफ और इनविजिबल जो दिखाई भी नहीं देता उसको भी साफ रखने पे बन गया है। तो हम वो सारी अपॉर्चुनिटीज बन के हमारी इंडस्ट्री में आएंगी। एक और बहुत बड़ा चेंज जिससे मैं बाद में बात कर सकता हूं आपके साथ, कि ई कॉमर्स उभरेगा बहुत बुरी तरह। जैसे हमने देखा फेसबुक की जो इन्वेस्टमेंट हुई है रिलायंस जियो में, और पूरा वर्ल्ड, आज भी एक न्यूज है जिसमें विस्टा प्राइवेट इक्विटी ने 11,000 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज में जियो में इन्वेस्ट किए हैं फॉर 2.5% स्टेक। ये सारे बहुत अच्छे ट्रेंड्स हो रहे हैं इस निराशा के टाइम पे। ये इमेजिनेशन की बात है, आदमी की सोच की बात है, जो ये उदाहरण से हम सीख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, तीनों उदाहरण आपने इतने शानदार रखे सामने कि वाकई में लगता है कि खुद हमको सकारात्मक होना चाहिए, हमारे अंदर भरा होता है। फिलहाल जो हम लोग सब घर में बैठे हैं, है ना, और फुर्सत के सारे एजेंडे भी हमारे खत्म हो गए, तो चूंकि बेस कैंप बोलते हैं, अगर हम पहाड़ चढ़ते हैं तो एक रास्ते में बेस कैंप आता है, इसको अगर बेस कैंप हम लोग मान लें तो हम हमारे जूते के फीते कैसे कस लें ताकि आने वाले समय का जो एवरेस्ट है वो चढ़ने के लिए हमको मदद मिल सके। क्या करना चाहिए हम लोगों ने घर पे बैठ के? ये बहुत अच्छी फोटोग्राफ आप देख रहे हैं इस टाइम। ये दोनों व्यक्ति जो दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं, ये भी घर बैठे हैं इस टाइम पे। अच्छा जी। और घर बैठे बैठे इन्होंने ये डील कर दी है, तो ये बहुत अच्छी सीखने की बात है इनसे। खैर, हमारे लिए, अगर हमारे व्यापारी भाइयों के लिए अगर मैं बात करूं, देखिए हम सबके इमेजिनेशन की बात है सारी, कि अगर हम सब लोग इमेजिन कर पाए कि चलो ये समस्या जिस तरीके से खत्म होगी या धीरे धीरे कम होगी फिर खत्म होगी, जब व्यापार खुलेगा उसको हमें इमेजिन करना होगा आज, और अपने अंदर, अपने स्टाफ के अंदर, अपनी टीम के अंदर वो बदलाव लाने होंगे कि जैसे ही व्यापार दोबारा खुलेगा तो हम उस जो नुकसान को हम फटाफट भरपाई कर पाए उसकी, चाहे वो अपने जो दुकान पे फिटर है उसको अच्छे से ट्रेन करना। क्या आपने कभी उसको ट्रेन किया था कि यार तू टायर बदलते हुए कैसे बात करता है कस्टमर से? आज आप उसके साथ वो सिखा सकते हैं, उसको आज वो बात कर सकते हैं आप। एक छोटे से उदाहरण के लिए, अगर आप उसके लिए कोई टूल सोच रहे थे कि मैं ऐसा कोई टूल सोचूंगा जिससे अगर मैं 10 गाड़ियों के टायर बदल सकता था, मैं 20 के कैसे बदल सकता हूँ उसी टाइम में,
बिना अपनी मैन पावर बढ़ाए, आज टाइम है आपके पास, आप रिसर्च कर सकते हैं ऐसे टूल्स के बारे में और अपनी और अपने टीम की प्रोडक्टिविटी स्किल्स को बढ़ाने का इससे अच्छा मौका शायद ही मिलेगा आपको दोबारा, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, तो इसको हमें यूटिलाइज करना है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमें खुद इमेजिन करके अपने बिजनेस के प्रति सोचनी होंगी और करनी होंगी। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जो हमारी टीम है, और आजकल चूंकि आप और मैं भी जूम पर बात कर पा रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग है जो हमारे स्टाफ साथ कर पाते हैं। हमने किया हमारे हिंदुस्तान अभिकरण में कि हमारी टीम को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं, कैसे मार्केटिंग पे बात कर सकते हैं, इवन मेडिकल कंसल्टेंसी कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये मौका था आपकी टीम के साथ आपको काम करने का। सही कहा आपने, बहुत बात वही आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आप तो कहीं हाथ पांव रख के बैठने वालों में नहीं है, तो पिछले 40 दिन में सुना है काफी बड़े बड़े काम किए आपने, आपकी टीम ने, जान सकता हूँ क्या नए काम कर पाए आप इन दिनों? बड़े या छोटे हो तो खैर मार्केट खुलेगी तो पता लगेगा, पर हमारी तरफ से हमने कोशिश पूरी अपने अच्छे दिल से करी कि जो मैंने इमेजिनेशन की बात करी और इस समय को यूटिलाइज करने की जो बात करी, तो हमने, मैं आपको इस पीपीटी के माध्यम से दिखाना चाहूंगा जो हमने मेजर चेंजेस किए हैं, और हम एक शेड्यूल में काम किया, जैसे हम सबने एज अ टीम हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे सारे, और इसमें हमने बहुत बड़े बड़े बदलाव किए जो हम काफी टाइम से सोच रहे थे कि हम करेंगे, बट दिन जो होता है हमारा ऐसी रोजमर्रा के कामों में निकल जाता था। तो कुछ बड़े काम जो हमने किए, पहला सबसे बड़ा, हमने अपना पूरा ब्रांड ही रिवैम्प कर दिया है। दूसरा, अगर मैं बात करूं, हमारे व्यापारी भाई भी इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया है कोरोना अपॉर्चुनिटी। तो जब लोगों की गाड़ियां घरों में खड़ी, हमने इमेजिन किया कि जब गाड़ी हमारे को समस्या आ रही है, हमारी गाड़ी में हवा नहीं है, तो अगर हमारा जो ये प्रोडक्ट है माई टीवीएस का टायर इन्फ्लेटर, जो आप सिंपल अपने गाड़ी के सिगरेट लाइटर सॉकेट में लगाइए और 2 मिनट के अंदर अपने टायर में हवा भर लीजिए, ना आपको पेट्रोल पंप पे जाने की जरूरत, और अपनी गाड़ी को आगे पीछे करके जब आप, जैसे सुझाव आते हैं आजकल, वो आप कर सकते हैं आराम से, ताकि आपकी गाड़ी चलती रहे, थोड़ा बहुत बैटरी भी डाउन ना हो, और जब आपको ऑफिस जाना हो, जैसे अब लॉकडाउन ईज हो गया, तो आपको पेट्रोल पंप पे लंबी लाइनों में ना खड़ा होना पड़े हवा भरवाने के लिए। इस तरीके के प्रोडक्ट्स हमने सोचे हैं जो हमारे प्रोडक्ट उसमें हैं, अब हम इनको रिवैम्प करके पूरा मार्केटिंग और इसकी तेज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी डिमांड अपने आप और बढ़ गई है। दूसरा, हमारे जो कार केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें वैक्यूम क्लीनर्स का बहुत बड़ा हम सोचते हैं कि ग्रोथ रहेगा, क्योंकि अब गाड़ी के अंदर आप आसानी से किसी को नहीं ट्रस्ट करेंगे कि आप उसको चाबी दे और कहीं वो वायरस ना छोड़ दे, आपको ये डर रहेगा, तो आप अपनी गाड़ी की बेसिक इंटीरियर क्लीनिंग खुद कर सकते हैं इन वैक्यूम क्लीनर्स के थ्रू, या इन जो शैम्पू और इंटीरियर क्लीनर्स प्रोडक्ट्स आते थे हमारे, उनके थ्रू। इसके अलावा जो हमने बहुत एक आगे की सोच रखी कि जब गाड़ियां निकलेंगी और दुकानों पर भी जाएंगी या आप अपने लिए भी उपयोग करेंगे, तो कुछ रेंज ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स जरूर होने चाहिए जो कि यूज होंगे। तो उसके लिए हम, ये बेसिक स्प्रेयर मशीन है जिसमें आप बहुत ही सस्ते में अपना ऑफिस, अपना घर, अपनी गाड़ी को आराम से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, सारे जर्म्स वायरस मार सकते हैं। इसमें आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एक स्मोक मशीन हम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपकी गाड़ी में डिसइंफेक्टेंट बहुत ही एटमाइज्ड फॉर्म में, जिसको बोलते हैं स्मोक की फॉर्म में, आपकी गाड़ी में स्प्रे हो जाएगा, ना इसमें कोई लिक्विड छूटेगा, जिससे आपकी गाड़ी और घर या ऑफिस आपके में सारे डिसइंफेक्टेंट जर्म्स वायरस सब किल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बेसिक हैंड स्प्रेयर की बात करें डिसइंफेक्टेंट की, वो भी हम लॉन्च कर रहे हैं। कुछ वाइप्स हैं जो कि डिसइंफेक्टेंट वाइप्स हैं, एसी से काफी डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं, तो एसी डिसइंफेक्टेंट के प्रोडक्ट्स, इस तरह के और कई सारे प्रोडक्ट रेंज पे हम काम कर रहे हैं। ये तो प्रोडक्ट्स के बारे में रहा। तीसरा, एक बहुत बड़ा काम जो टीम ने किया है हमारी, वो एक पूरा हमारा टेक्नोलॉजी रिवैम्प कर दिया, और ये टेक्नोलॉजी रिवैम्प का जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, मैं मानता हूं ऐसा प्रोडक्ट किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अभी तक ना सोचा होगा ना बनाया है, जहां तक मेरी नॉलेज है। इसमें हमने क्या किया था, हमने पहले एक रिटेलर ऐप लॉन्च करी थी जिसमें हमारे रिटेलर भाई लोग हमें ऑर्डर डाल सकते थे प्रोडक्ट्स देख के। अब हमने इसी ऐप का एक एक्सटेंशन किया है, हमने पूरा बैकएंड रेडी कर लिया है अपना एक माई टीवीएस विज प्रोडक्ट नाम से, जिसमें हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स अपनी सारी ऑर्डर मैनेजमेंट ट्रैक कर सकते हैं,
सारी रियल टाइम रिपोर्ट्स देख सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट में उनको समस्या आती है तो उसकी सर्विस रिक्वेस्ट वो रियल टाइम देख सकते हैं। कभी हमारे पास अगर प्रोडक्ट सर्विस पे आता है हमारे सर्विस सेंटर में, उस प्रोडक्ट का क्या स्टेटस है रियल टाइम, उसमें क्या डिफेक्ट निकला, क्या हमने उसके ठीक किया, वो सारा रियल टाइम हमारे सारे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर हमारी सेल्स टीम सब ट्रांसपेरेंटली देख सकते हैं। अपने स्टॉक की प्लानिंग कर सकते हैं इन रिपोर्ट्स के द्वारा, जिसमें हम एनालिसिस और रिकमेंडेशन बनाया है हमने, ताकि ना उनके दुकान में स्टॉक ज्यादा हो जाए ना कम रहे, उनकी सेल्स के बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमने ये सारा सिस्टम तैयार कर लिया है। उनकी टारगेट स्कीम्स जो होती हैं उसमें अक्सर शिकायत होती है कई बार डिले होने की लोगों की, मैं सुनता हूँ, वो सारा ऑटोमेट हो चुका है। रियल टाइम पे जैसे ही ऑर्डर होगा आपके टारगेट स्कीम्स कैलकुलेट होके आपको रियल टाइम दिखेगा मेरा कितना शॉर्टफॉल है, मुझे और कितना खरीदना है या बेचना है। एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया है और इसको हम कंटिन्यूअस बेसिस पे इंप्रूव करते रहेंगे। मजा आ गया सुनील साहब देख करके कि कैसे क्रांतिकारी, इसको क्रांतिकारी शब्द बोलूंगा मैं, सही कहा आपने कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भारत में किसी भी ट्रेड के इतना बड़ा कहीं कोई ये नहीं है कि वो डायरेक्ट ऑर्डरों को डायरेक्ट बिल हो जाएगा, यहां तक आपने काम कर दिया। तो सैल्यूट है आपकी इस मेहनत को। मैं एक बात हमारे स्वार्थ की जानना चाहता हूँ, हम सारे रिटेलर भाई जो सुन रहे होंगे मेरे साथ में, कि लॉकडाउन होने के बाद दो नुकसान हुए हैं हमको। एक तो जो लॉकडाउन के टाइम खर्चा लगा हो, चाहे सैलरी का, किराए का, ब्याज का, जो सारा है, और आने वाला समय है सामने जो कठिन दिख रहा है, तो क्या करें हम लोग की ताकि जो नुकसान पहले हुआ है ये कवर करना पहली जिम्मेदारी, और मुनाफा पैदा करके समाज के, अपनी टीम के, एम्प्लॉयज के लिए काम कर पाना दूसरी जिम्मेदारी। तो क्या इन दो चुनौतियों को हम लोग क्या क्या रास्ता बताते हैं, आप कैसे पूरा पड़क पाएंगे? देखिए मैं बहुत सिंपल दो ही रास्ते बताऊंगा जो हमारे व्यापारी भाई कर सकते हैं। पहली चीज ये इमेजिन करें कि हमारे कस्टमर्स को क्या प्रोडक्ट्स की नीड रहेगी, वो प्रोडक्ट उनको रखने होंगे, और उनको अगर रखे हुए हैं तो दुकान में अपनी आगे करके कस्टमर्स को जागरूक करना होगा कि ये प्रोडक्ट्स उनके काम के हैं, उपयोग के हैं इस दौरान पे स्पेशली। दूसरी सिंपल चीज ये हम सबको मानना होगा और हम पढ़ भी रहे हैं कि कस्टमर्स अगर आपकी दुकान पे 100 आते थे तो शायद 90, 70, 80 या 50 आएंगे, 100 के 100 स्टार्टिंग में नहीं आएंगे। तो कस्टमर्स तक आपको पहुंचना होगा। हम बड़ी FMCG कंपनीज, इवन मोबाइल फोन की बड़े ब्रांड्स, सब इस बात को मान चुके हैं और अपने सारे प्रोसेसेस को वो धीरे धीरे ओमनी चैनल ई कॉमर्स की तरफ लेते जा रहे हैं, जिसमें अगर कस्टमर ऑर्डर कोई प्रोडक्ट करता है तो उसको ना कि दिल्ली या बॉम्बे के वेयरहाउस से प्रोडक्ट जाएगा, बल्कि आपकी नियरेस्ट दुकान से कस्टमर को प्रोडक्ट चला जाएगा। पर आपको इस चीज के लिए अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाना होगा, सॉफ्टवेयर से नफरत नहीं प्यार करना होगा कि ये आपके फायदे के लिए है। ई कॉमर्स कंपनी से आप चाहे नफरत करना चाहे वो आपका है, पर आपको किसी ना किसी तरीके से ई कॉमर्स से प्यार करना जरूर होगा। आप करने के लिए, मैं मानता हूं आपके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, हर कोई ई कॉमर्स की अपनी बढ़िया वेबसाइट नहीं बना सकता, मार्केटिंग नहीं कर सकता। इसके लिए आपको ऐसे ब्रांड्स, ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ना चाहिए जो ये सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका इंटरेस्ट का ख्याल रखते हैं, कि ना कि आपको बीच में से हटाना है एज अ लेयर, पर आपका जो वैल्यू एड है कस्टमर के लिए, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव में, जहां पे कस्टमर को फिटमेंट चाहिए, कस्टमर को आफ्टर सेल सपोर्ट चाहिए, कस्टमर को एक भरोसा चाहिए कि मेरे पास में एक दुकान है, अगर मेरी गाड़ी में कोई खराबी आई तो ये दुकान पे जो मित्र है मेरे वो सॉल्व कर देंगे। उन चीजों को फायदा लेके ई कॉमर्स के साथ अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया एक मॉडल तैयार हो जाएगा जिसमें हर किसी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। बढ़िया बात कही आपने कि बदलाव तो होगा, किसी को रोके रुकेगा नहीं, हमको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, और जितने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया वो समय के साथ आगे निकल जाएगा। अंत में कोई संदेश हम डीलर साथियों के लिए, बाकी जो रिटेलर्स हैं मेरे मित्र हैं उनके लिए, क्या आखिरी में मैसेज देंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि ये एक मुश्किल समय है सबके लिए, मैं जरूर मानता हूँ उस चीज को। मैं जितनी भी मर्जी पॉजिटिव बात करूं, ऐसा नहीं है, बहुत आसान समय है, पर कहते हैं मुश्किल समय में ही इंसान का असली चरित्र और उसकी असली स्ट्रेंथ सामने आती है कि आप क्या हैं। अगर आप
डिसाइड कर लें कि आप इस मुश्किल समय में निकल जाएंगे पॉजिटिव माइंडसेट से, तो आप जरूर निकल जाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से निकलेंगे। इसका अगर आप उदाहरण अगर मांगे मेरे से दोबारा, तो वर्ल्ड वॉर्स जैसे हुई है पिछली, उसमें आप जर्मनी जापान जैसे देश जो तबाह हो चुके थे, उन्होंने एक माइंडसेट से ही अपने आप को इतनी बड़ी वर्ल्ड की सुपर पावर्स में गिनती करवाई, बहुत ही कम समय में रिसोर्सेज नष्ट हो चुके थे, था तो केवल माइंडसेट। सो हमें इसकी शक्ति को रियलाइज करना है और इस पे काम करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। सुनील जी, मैंने व्यस्त आपकी बहुत ज्यादा है, मन तो ऐसा होता है आपके साथ लगातार बातें करते रहे, और जो भी सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ या जो हमारे टीम के साथी सुन रहे हैं या मेरे दोस्त यार सुन रहे हैं, तो वाकई में आज की इस मीटिंग के बाद में, आपको सुनने के बाद में खूब सारी ऊर्जा से लबरेज होकर जाएंगे हम लोग, भर के जाएंगे। वाकई आपके साथ मजा आ गया बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सर।